Families are like branches on a tree. We grow in different directions, yet our roots remain as one. Namaskar everybody, welcome back to your channel Preeti Pages. बिल्कुल सही और बहुत खूब कहा है किसी ने कि फैमिली उन पेड़ की ब्रांचेस की तरह होती है जो अलग अलग डायरेक्शंस में ग्रो करती है, बट जो उनकी रूट्स हैं वो एक ही होती है. और इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ. कुछ ग्लिम्स आपके साथ अपने घर के, जहाँ पे मैं अपने सिस्टर्स और अपने ब्रदर के साथ हम वो वक्त बिता रहे हैं, जो एनर्जी लेके जा रहे हैं, जो वाइब्स हम ले रहे हैं, जो मेमोरीज रिकलेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ये वो मोमेंट है जो हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं पूरे साल, और इस मोमेंट को आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है. आप लोगों में से बहुत सबने पूछा कि मैंने दिल्ली की शॉपिंग वीडियो नहीं डाली है, तो सारी वीडियोज़ आएंगी वन बाय वन. एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ से हम मार्केट भी जा रहे हैं, फन भी कर रहे हैं, तो शॉपिंग की वीडियोस, शॉर्ट्स आपके पास सब आएंगे. अब स्टार्ट करती हूँ आपके साथ हाई प्रोटीन सैलेड. हाई प्रोटीन सैलेड बनाने के लिए आपको चाहिए अपनी चॉइस की वेजीज. मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश की है कि हर कलर की वेजिटेबल ऐड करूँ इसमें, सो दैट मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मेरी इस सैलेड में आए. तो हर वेजी जो भी आपके पास है, आपको उसको छोटा छोटा काट लेना है. मैंने यहाँ पे काटा है रेड कैप्सिकम, साथ में खीरा, प्याज, गाजर और बीट रूट, और आपके पास जो भी हो. कुछ अरेंजमेंट्स मैंने पहले से ही करके रखे थे, यानी कि वाइट छोले मैंने रात को भिगो के उसे विसल दिला के रेडी रख लिए थे. स्प्राउटेड दाल मैंने ऑलरेडी करके रखी थी. पालक को मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पालक के लीव्स को धो के अच्छे से काट के बीच में डाला है. ब्रोकली को हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, दैट मीन्स गलाना नहीं है, सिर्फ पकाना है. और ये सारी चीज़ें भी आप उसी में ही इसी बोल में डाल देंगे, लाइक पालक, ब्रोकली, वाइट छोले और साथ में स्प्राउट्स. और भी कोई सब्जी आपके पास हो, वेजिटेबल हो, आप वो भी डाल सकते हैं. बस गिव इट अ गुड मिक्स और उसके बाद आप अपने सारी चॉइस के स्पाइसेस. मैंने डाला है सॉल्ट, पेपर, काली मिर्च का पाउडर और साथ में लेमन. और हमारी सिंपल और बहुत हेल्दी सैलेड रेडी है. इसके साथ मैंने बना लिए थे फ्राइड राइस, और फ्राइड राइस एंड सैलेड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था. एवरीवन एंजॉयड अ लॉट. एंड लास्टली, किचन वाइंड अप करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद, मैं और मेरी सिस्टर हम लोग निकल गए वॉक पर. जैकेट इसलिए पहनी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, सो इट्स वाई हमने हल्की हल्की थोड़ी सी जैकेट पहन ली. एंड वी हैड अ गुड वॉक और उसके बाद हम घर आके आराम से सो गए. सो दिस वॉज द डे एट माई ब्रदर्स प्लेस. एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दिखाने की कोशिश की है. We'll be back with another video. Till then, bye-bye. Take care.